Hello students, I am Dr. Prahlad Sharma, your biology faculty, your mentor. In today's lecture, we will discuss about sexual reproduction of platyhelminthes and the examples of platyhelminthes. तो आज के लेक्चर में हमें जो रिप्रोडक्शन होता है प्लेटीहेलमिंथीज में वो डिस्कस करना है और इसके साथ साथ प्लेटीहेलमिंथीज के जो एग्जांपल्स हैं वो हमें देखना है. तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लेटीहेलमिंथीज. रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है वो देखते हैं. यदि रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करें तो इनमें हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है. तो प्लेटीहेलमिंथीज में असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट तो प्लेटीहेलमिंथीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह का जो रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्लेटीहेलमिंथीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होगा. तो असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है प्लेटीहेलमिंथीज में वो सभी एनिमल में तो प्रेजेंट नहीं होता, केवल कुछ एनिमल में प्रेजेंट होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली हमें ट्रांसवर्स फिशन के थ्रू देखने को मिलता है. किसके थ्रू देखने को मिलता है? ट्रांसवर्स फिशन के थ्रू देखने को मिलता है. सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट ऑकर्स बाय ट्रांसवर्स फिशन. तो ये क्लियर हो गया आपको. अब उसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. नाउ वी डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एनिमल बाइसेक्सुअल होते हैं. एनिमल यहां किस तरह के देखने को मिलेंगे आपको? बाइसेक्सुअल टाइप के देखने को मिलेंगे मोस्टली. तो यहां बाइसेक्सुअल एनिमल देखने को मिलेंगे जिन्हें हम हर्माफ्रोडाइट के नाम से भी जानते हैं या इसे हम मोनोसियस के नाम से भी जानते हैं. तो एनिमल बाइसेक्सुअल. अच्छा, उसके बाद मोस्टली जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्रॉस मोस्टली फर्टिलाइजेशन कैसा देखने को मिलेगा हमको? तो यहां पर फर्टिलाइजेशन मोस्टली क्रॉस देखने को मिलेगा. बट जो टीनिया होता है टेम्पर होता है उसमें सेल्फ देखने को मिलता है. सेल्फ इन टीनिया. टीनिया सोलियम जो है उसके अंदर हमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है. अब उसके बाद हम बात करें इसके डेवलपमेंट के बारे में. तो इसमें
मोस्टली जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, बट डायरेक्ट इन फ्यू एनिमल्स। बट कुछ एनिमल्स के अंदर आपको कैसे देखने को मिलेगा, यहां पर डायरेक्ट टाइप का देखने को मिलेगा। तो अधिकतर जो एनिमल है उनमें आपको डेवलपमेंट दिख रहा है, कैसे मिल रहा है, इनडायरेक्ट टाइप का, बट कुछ एनिमल में डायरेक्ट टाइप का देखने को मिलता है। अच्छा, इसका क्या रीजन है, कुछ में डायरेक्ट कुछ में इनडायरेक्ट। अब देखिए, मोस्ट ऑफ प्लेटी हेलमंथी स्पीसीज जो होती है वो अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पैरासाइट्स होते हैं, अदर एनिमल्स के ऊपर पैरासाइट्स होती है, एंडो पैरासाइट होती है मोर करेक्टली, ठीक है। तो अब ऐसे में एंडो पैरासिटिक लाइफ को सक्सेसफुल सर्वाइव करने के लिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मस्ट होता है। तो जो प्लेटी हेलमंथीज पैरासाइट्स हैं उसमें जो लाइफ साइकिल होगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की होगी। वहां पर डेवलपमेंट जो है आपको बेसिकली कैसा देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट टाइप का देखने को मिलेगा। अब जो स्पीसीज बेसिकली कैसी हैं, फ्री लिविंग है, जैसे प्लेनेरिया हो गया, तो उनमें आपको जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट टाइप का देखने को मिलता है। तो ये क्लियर हो गया आपको कहां डायरेक्ट देखने को मिलता है, कहां इनडायरेक्ट देखने को मिलता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोस्टली जो जिस मेथड से हो रहा है वो मेथड कौन सी है, ट्रांसवर्स फ्यूजन, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं रीजनरेशन के बारे में। तो इस फाइलम के एनिमल्स में रीजनरेशन का पावर देखने को मिलता है। इस एनिमल का, इस फाइलम का एक मेंबर है जिसका नाम है प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ रीजनरेशन देखने को मिलता है। तो प्लेनेरिया के अंदर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ रीजनरेशन देखने को मिलेगा। इट बिकम क्लियर, ये पूरी तरह से समझ में आया आपको, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में इतना इनफ। अब इसके बाद हम इसके यूनिक कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द पावर ऑफ रीजनरेशन, वी ऑल ऑलरेडी डिस्कस दैट। The power of regeneration present in few species of flatworm. तो flatworm की कुछ स्पीसीज में हमें पावर ऑफ रीजनरेशन देखने को मिलता है। द क्वेश्चन इज राइट दैट व्हाट इज द पावर ऑफ रीजनरेशन। पावर ऑफ रीजनरेशन मीन्स If the any body part become damage of animal, तो वो part क्या होता है, दोबारा से redevelop हो जाता है। If any part of the animal become damage, तो it become reappear। तो इस phenomena को हम बोलते हैं power of regeneration। अब आप जैसे देखिए, for example हमारा lizard है, wall lizard है, इसे हम लोग हिंदी में छिपकली के नाम से जानते हैं, मराठी में पाल के नाम से जानते हैं। तो उसकी यह पूंछ टूट जाए तो वो दोबारा से क्या होगी, रीडेवलप हो जाएगी। तो इसी फिनोमेना को क्या बोलेंगे, इस फिनोमेना को बोलेंगे रीजनरेशन, ठीक है। तो रीजनरेशन इस फाइलम के सभी एनिमल में तो वेल मार्क्ड नहीं होती, बट कुछ स्पीसीज के अंदर आपको ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो इट बिकम क्लियर। अब उसके बाद हम बात करेंगे यूनिक कैरेक्टर ऑफ फाइलम प्लेटी हेलमंथीज। तो हम इस फाइलम के जो यूनिक कैरेक्टर्स हैं उसको लेके डिस्कस करते हैं, ठीक है। यूनिक फीचर ऑफ फाइलम
Lady Hanumanth is. अब मैं आपको अलग से एक कॉलम इसलिए ड्रॉ किया है कि कई बार यूनिक फीचर्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यूनिक फीचर्स की बात करें तो आपको देखिए क्या क्या देखने को मिलेगा यूनिक फीचर्स में। पहला आपको देखने को मिलेगा ट्रिप्लोब्लास्टिक बट सीरोमैटिक, ये कैरेक्टर इसी फाइलम में देखने को मिलता है। दूसरा ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसी फाइलम में देखने को मिलता है। उसके बाद और भी कैरेक्टर है जैसे कि प्रेजेंस ऑफ फ्लैम्स है, प्रेजेंस ऑफ फ्लैम सेल्स क्या होते हैं, इट्स ए एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर ऑफ फाइलम प्लेटी हेलमिंथीस। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ इसकी बॉडी वॉल को देखा था, इसकी बॉडी वॉल के आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट था, तो इसकी बॉडी वॉल के आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट था, स्पेसिफिक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट था। क्या बोला था उसको हमने, पैरेन्काइमा। तो प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा ये भी इसका यूनिक फीचर्स है। प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा इट इज ऑल्सो यूनिक फीचर ऑफ दिस फाइलम। और है सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन फ्यू फ्लैटवर्म्स, कुछ फ्लैटफॉर्म्स में सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ये भी एक यूनिक फीचर्स है। ठीक है, तो ये इस फाइलम के यूनिक फीचर है। अच्छा, एक और है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, लैडर लाइक प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, यह भी इस फाइलम का यूनिक फीचर है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हमने यहां क्या देखा, यहां हमने ये देखा कि इस फाइलम के अधिकतर एनिमल एंडो पैरासाइट्स होते हैं। तो अधिकतर एनिमल यदि एंडो पैरासाइट्स हैं तो उनमें कुछ ना कुछ पैरासाइटिक अडॉप्टेशन मिलना चाहिए। तो कौन कौन से पैरासाइटिक अडॉप्टेशन होते हैं प्लेटी हेलमिंथीस में और निमेटो हेलमिंथीस में, इसके बारे में हम एक अलग से सेपरेट लेक्चर तैयार करेंगे, तो आप उसे देखिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो भी देख लेते हैं। और इसकी क्लासेस के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं इस फाइलम का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम इसके साथ ही साथ एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ
प्लेटिहेलमिंथीज एंड एग्जाम्पल ऑफ प्लेटिहेलमिंथीज। तो सबसे पहले हम बात करें क्लासिफिकेशन के बारे में प्लेटिहेलमिंथीज के। तो देखिए स्टूडेंट, आपके सिलेबस में एनसीईआरटी के सिलेबस में इनवर्टिब्रेट का जो क्लासिफिकेशन है वो अप टू फाइलम्स है, मतलब हमें क्लासेस के बारे में नहीं पढ़ना। और जो कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन है वो अप टू क्लासेस है, मतलब आपको क्लास के बाद नहीं पढ़ना है। फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ कुछ फाइलम के क्लासेस में से पूछे गए हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्लास हैं किसी भी फाइलम्स की, तो हम उन क्लासेस को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने देखिए फाइलम पॉलीफेरा में कोई क्लासेस डिस्कस नहीं की, सिलेंटेटा में कोई क्लासेस डिस्कस नहीं की, ठीक है। वहां पर केवल आपको इतना बताया कि किस क्लास के एनिमल जो होते हैं वो कोरल रीफ फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते, केवल इतना हमने डिस्कस किया था। टीनोपोरा की बात करें तो यहां पर भी हमने कोई क्लासेस डिस्कस नहीं की क्योंकि क्वेश्चन नहीं आए उनमें से। अच्छा, प्लेटिहेलमिंथीज की बात करें तो बेटा प्लेटिहेलमिंथीज में हम क्लासेस डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो अब प्लेटिहेलमिंथीज को तीन क्लास में डिवाइड किया गया है। तो प्लेटिहेलमिंथीज डिवाइडेड इनटू द थ्री क्लास। तो क्लासिफिकेशन जो प्लेटिहेलमिंथीज का है वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ हिस्ट्री के बेस पर है। किसके बेस पर है? बेस ऑन द लाइफ हिस्ट्री। ये लाइफ हिस्ट्री के बेस पर प्लेटिहेलमिंथीज का क्लासिफिकेशन है। तो हमारे जो प्लेटिहेलमिंथीज है तो उनका जो क्लासिफिकेशन आप देखेंगे वो किसके बेस पर है? बेस ऑन द लाइफ हिस्ट्री, ठीक है। तो तीन क्लासेस में प्लेटिहेलमिंथीज को डिवाइड किया गया है। पहला क्लास कौन सा है? टर्बुलेरिया। दूसरा क्लास कौन सा है? ट्रेमेटोडा। और तीसरा क्लास कौन सा है? सिस्टोडा। तो इस तरह से तीन क्लासेस में इसे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्बुलेरिया को। टर्बुलेरिया का एग्जाम्पल कौन सा है? प्लेनेरिया। तो जब भी टर्बुलेरिया को डिस्कस करें तो आप अपने दिमाग में प्लेनेरिया का पिक्चर बिल्कुल क्लियर करके रखिए, ठीक है। तो अब ये जो टर्बुलेरिया फाइलम है इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं सभी मेंबर्स को कॉमनली हम फ्लैट वर्म के नाम से जानते हैं। तो मेंबर्स ऑफ दिस क्लास नोन एज द फ्लैट वर्म। यहां हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन नेम क्या है इसका? फ्लैट। याद रखिए हमने जो फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज का भी कॉमन नेम आपको क्या बताया था? फ्लैटफॉर्म बताया था, ठीक है। उसके बाद इनमें जो लोकोमोशन होता है वो सीलिएटेड एपिथीलियम से होता है। तो लोकोमोशन बाय सीलिएटेड एपिथीलियम। इसमें लोकोमोशन किससे होगा? सीरिएटेड एपिथीलियम से होगा। उसके बाद इस क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब फ्री लिविंग होते हैं। कैसे होंगे? ऑल मेंबर ऑफ दिस क्लास इज फ्री लिविंग। उसके बाद डेवलपमेंट डायरेक्ट बाइसेक्सुअल, ये कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल होंगे। डेवलपमेंट डायरेक्ट सकर्स जो होंगे जिनसे एनिमल अटैच होते हैं, सकर्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिससे एनिमल होस्ट की बॉडी से अटैच हो जाते हैं। तो सकर्स जो होते हैं वो यहां पर अब्सेंट देखने को मिलते हैं। सकर्स अब्सेंट।
अब इसका एक पेटेंट एग्जाम्पल कौन सा है? प्लेनेरिया। इसे हम डुजेशिया के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज डुजेशिया। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या पढ़ा एग्जांपल में? प्लेन एरिया। ठीक है, तो टर्बिड एरिया के कौन कौन से कैरेक्टर हो गए? कॉमन नेम फ्लेटवर्म, लोकोमोशन बाय द सीलिएटेड एपिथेलियम, फ्री लिविंग, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मींस मेल फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। उसके बाद डेवलपमेंट डायरेक्ट, नो लार्वल फेज प्रेजेंट इन द डेवलपमेंट। सकर्स अब्सेंट, सकर्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिससे एनिमल किसी होस्ट की वजह से चिपकता है, ये पैरासाइट है ही नहीं, तो इनमें सकर्स कहां से देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसका एग्जाम्पल, इसमें कई एग्जाम्पल्स हैं पर हमारे लिए प्लेनेरिया सफिशियंट है, डुजेशिया इट बिकम क्लियर। तो ये टर्बिल एरिया पूरा क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? ठीक है, डुजेशिया को हम अब थोड़ी देर बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे, इतना तो क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास कौन सा हमारा? ट्रेमेटोडा। ट्रेमेटोडा को देखते हैं, अब ट्रेमेटोडा की बात करें तो ट्रेमेटोडा, अब कल्पना कीजिए, इमेजिनेट कीजिए, आपने फ्लूक के बारे में सुना होगा, लीवर फ्लूक, वो ट्रेमेटोडा में आता है, ट्रेमेटोडा के अंदर आता है। तो अब ट्रेमेटोडा के अंदर फ्लूक आते हैं, मतलब इसमें जितने भी मेंबर होते हैं सभी को हम फ्लूक के नाम से जानते हैं। ठीक है, सॉरी टी आर ई होगा ट्रेमेटोडा, तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा कॉमन नेम क्या होगा इसका? फ्लूक के नाम से जानते हैं इसको हम। यहां पर भी आप क्या देखेंगे, कि इनका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है? अनसेगमेंटेड, उसके बाद इस क्लास के मेंबर कैसे होंगे? पैरासाइट, एंडो पैरासाइट होंगे। तो ऑल मेंबर ऑफ द क्लास ट्रेमेटोडा विल बी एंडो पैरासाइट। अब एंडो पैरासाइट उसमें सकर्स प्रेजेंट होंगे, तो इनमें जो सकर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सकर्स इनकी बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इनमें जो इंटेस्टाइन होता है वो होता है ब्रांच, तो इनमें जो इंटेस्टाइन कैसा होगा? ब्रांच होगा। उसके बाद इसमें पावर ऑफ रीजनरेशन अब्सेंट होता है, पावर ऑफ रीजनरेशन अब्सेंट। इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट। अब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है मतलब कि
इनमें लार्वल फेज प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल, अब इसके एग्जांपल होंगे हमारा जैसे कि फेशियोला हिपेटिका एंड सिस्टेसोमा, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसके जो एग्जांपल्स को लेके बात करें तो इसमें आएगा एक तो फेशियोला, फेशियोला जिसे हम बोलते हैं लिवर फ्लूक, और दूसरा है इस फाइलम इस क्लास के अंदर दूसरा जो एग्जांपल है वो है सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा को हम ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं सिस्टोसोमा को? ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लास ट्रिमेटोडा, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो क्लास कौन सा है? सिस्टोडा। सिस्टोडा के जितने भी मेंबर्स हैं सबको कॉमनली टैप वर्म के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो कॉमन नेम हो गया वो क्या हो गया? टैप वर्म। कॉमन नेम इसका है टैप वर्म। टैप वर्म कॉमन नेम हो गया इसका। अच्छा, उसके बाद सिस्टोडा में फॉल्स सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। फॉल्स सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। यहां कौन सा सेगमेंटेशन प्रेजेंट है? फॉल्स सेगमेंटेशन इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद सिस्टोडा में पावर ऑफ रिजनरेशन ऑब्सेंट है। यहां पर आपको पावर ऑफ रिजनरेशन अब्सेंट, उसके बाद इंटेस्टाइन भी इनमें क्या है? अब्सेंट होती है। इंटेस्टाइन अब्सेंट इसमें, फिर कैसे खाता होगा ये? एक्चुअली ये जो एनिमल होता है ये बेसिकली हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पैरासाइट होता है। तो एनिमल कैनाल के अंदर तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड है, इसकी बॉडी जो होती है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब कर लेती है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है? ऑस्मोट्रॉपिक टाइप का देखने को मिलता है। किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है? ऑस्मोट्रॉपिक टाइप का, मतलब इसकी बॉडी जब डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब कर रही है फिर एलिमेंट्री कैनाल की आवश्यकता ही क्या है, इसलिए इनमें जो है एलिमेंट्री कैनाल देखने को नहीं मिलता। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल नहीं होगा तो माउथ होगा क्या? नहीं, तो इस क्लास के अंदर माउथ अब्सेंट होता है। इस क्लास के अंदर माउथ अब्सेंट होता है। माउथ अब्सेंट होता है। उसके बाद इस क्लास में कोई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतने कैरेक्टर हो गए। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट कैरेक्टर यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट
एनिमल कैसे होंगे यहां पर बाइसेक्सुअल होंगे, फर्टिलाइजेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसे दिखाई देगा यहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन दिखाई देगा। उसके बाद डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा दिखाई दे रहा है यहां पर इनडायरेक्ट दिखाई देगा ठीक है। अब इसके एग्जांपल तो इसके एग्जांपल में आ जाएगा जैसे कि पीनिया सोलियम जिसे हम बोलते हैं पॉक्टेपल, कौन सा टेम्पल बोलते हैं इसको पॉप टेम्पल के नाम से जानते हैं। इट बिकम क्लियर, समझ में आ गया ये। अब इसके बाद हम बात करेंगे इस फाइलम के एग्जांपल्स के बारे में ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द एग्जांपल ऑफ दिस फाइलम। बिफोर डिस्कसिंग द एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना के बारे में। दैट फिनोमिना इज दैट सिफिलाइजेशन। द क्वेश्चन इज अराइज इन अवर माइंड व्हाट इज द सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन मींस द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट हेड। आपने इस फाइलम के पहले के जितने भी फाइलम पढ़े फॉर एग्जाम्पल इस एनिमल को देखिए, इस एनिमल को आप देखिए और आप इस तरह के एनिमल को देखिए और आप एक इस एनिमल को भी देखिए, इन तीनों एनिमल में आप इसके हेड कहां पर है बता सकते हैं? फाइलम पोरिफेरेंस में हेड कहां है आपको दिख रहा है क्या? इस जेली फिशेस के अंदर देखिए, सिलेंटेड्स में देखिए, आपको इसमें हेड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। यहां पर भी आपको हेड नहीं दिख रहा। इस एनिमल को देखिए, यह प्लेनेरिया है तो इसमें आपको हेड दिख रहा होगा। तो एनिमल किंगडम में सबसे पहली बार हेड दिखना कहां से स्टार्ट होता है? फाइलम प्लेटिहेलमिंथी से चालू होता है। तो फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज के जितने मेंबर होते हैं सब में एक डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर के जितने भी फाइलम में उन सभी फाइलम में आपको एक क्लियर कट हेड दिखाई देता है, सिर दिखाई देता है, पर इस फाइलम के पहले के किसी भी फाइलम में आपको आपको हेड देखने को नहीं मिलता है। तो प्रेजेंस ऑफ क्लियर कट हेड, प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट हेड, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज सिफिलाइजेशन। कई बार ढेर सारी पुराने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्टिंक्ट हेड सबसे पहली बार मिलना कहां से स्टार्ट होता है, देन आवर आंसर विल बी प्लेटिहेलमिंथीज। या पूछा जाता है कि सिफिलाइजेशन की स्टार्टिंग कहां से होती है, हमारा आंसर क्या होगा? प्लेटिहेलमिंथीज ठीक है। इट बिकम क्लियर, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ दिस फाइलम। अब हम इस फाइलम के एग्जाम्पल को लेकर डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल्स की लेके बात करें तो देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है इस फाइलम का, दैट इज डुजेशिया। डुजेशिया जो होता है इट इज ऑल्सो नोन एज प्लेनेरिया। तो पहले मैं प्लेनेरिया लिख देता हूं। ये एनिमल आप सभी ने देखा है, पुरानी जो आपने लोअर क्लासेस में जो टेक्स्ट बुक पढ़ी है उन सभी में आपने ये एनिमल पढ़ा है। तो ये जो एनिमल है इसको आजकल डुजेशिया के नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज डुजेशिया।
अब इसके कॉमन फीचर्स क्या होंगे, देखिए इस फाइल को जरा देखिए, सॉरी इस एनिमल को देखिए, तो इसमें आप देखेंगे कि इसकी पूरी बॉडी के ऊपर आपको आउटर साइड में सीलिएटेड एपिथीलिया दिख रही है। क्या दिख रही है आपको इसके आउटर साइड में सीलिएटेड एपिथीलिया? तो पहला कैरेक्टर इस फाइलम का कि फ्री लिविंग, सॉरी प्लेगेरिया का पहला कैरेक्टर क्या है, दीज आर फ्री लिविंग फ्रेश वाटर एनिमल। कैसे एनिमल होते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं रोजेशिया। उसके बाद इसमें इनका हेड सामने है पर माउथ ऑफ दिस एनिमल प्रेजेंट इन मिडिल पोजीशन, तो बॉडी की ये जो बीच में जो मिडिल पोजीशन है ना, यहां पे इसका माउथ होगा। तो इसका माउथ कहां होगा, इस बैक साइड में प्रेजेंट है इसके, ये वेंट्रल पोर्शन है, तो इसके यहां पे मिडिल पोर्शन में आपको माउथ प्रेजेंट होगा, तो माउथ प्रेजेंट इन मिडिल पोजीशन। आपको माउथ पर दिखाई देगा, मिडिल पोजीशन पर दिखाई देगा। हाँ तो यहां पे आपको माउथ देखने को मिलेगा इस एनिमल में। दूसरा इस एनिमल में जो है आपको आई स्पोर देखने को मिलेंगे, ये क्या है इसके, ये इसके आई स्पोर है, ठीक है, और यहां पर इसका माउथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये फ्री लिविंग एनिमल है, सीलेटेड एपिथीलिया की वजह से ये मूवमेंट करता है, ठीक है, इसमें आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, मतलब नो एनी लार्वा फेज प्रेजेंट, डेवलपमेंट कैसा होगा यहां पे डायरेक्ट। उसके बाद इसमें एक्सट्रीम पावर ऑफ वी जनरेशन प्रेजेंट, इसमें एक्सट्रीम पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट होता है इस एनिमल के अंदर। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो लॉन्जिट्यूडनल फिशन के थ्रू कंडक्ट होता है, और इसमें सॉरी ट्रांसवर्स फिशन के थ्रू कंडक्ट होता है, और इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में सफिशियंट है। और ये किस क्लास में आएगा, ये आएगा क्लास टर्विल एरिया में, क्योंकि क्लास टर्विल एरिया के जितने भी मेंबर होते हैं ऑल मेंबर आर फ्री लिविंग, ठीक है। तो हमारा प्लेन एरिया फिनिश, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे अब लिवर फ्लूक के बारे में। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एनिमल फैशियोला के बारे में। अब ये जो एनिमल होता है ये किस क्लास में आता है, दिस एनिमल कम अंडर द क्लास टर्विल एरिया, टर्विल एरिया के अंदर इसको काउंट किया जाता है। फेशियोला का जो कॉमन नेम होता है वो होता है हमारा लीवर फ्लू, क्या नाम है इसका, लीवर फ्लू नाम है। ये जो एनिमल होता है फेशियोला, फेशियोला एनिमल बेसिकली एंडो पैरासाइट होता है शीप के अंदर और गॉट के अंदर, जो मेंढे होते हैं या भेड़ होती है उसके अंदर, और जो गॉट होती है बकरी होती है उसके अंदर ये एंडो पैरासाइट होता है, ठीक है। तो इससे हमारे जो कैटल्स होते हैं उन्हें काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है, ठीक है। ये किस तरह का होता है देखिए, इसका बॉडी आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा,
तो इस तरह का फेशियोला का बॉडी होता है। इसका डायग्राम आपने लोअर क्लास की जो साइंस की पुस्तक है उसमें आपने देखा होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा लेबलिंग कर देता हूं। ये देखने को कहां मिलता है? ये देखने को मिलता है हमारे जो गॉट है, जो शीप है, उसके लीवर के अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो एनिमल का नाम क्या है? फेशियोला। कॉमन नेम क्या है इसका? लीवर फ्लेव, ठीक है। तो इस नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो क्या है ये है डाइजेनेटिक पैरासाइट। दीज एनिमल आर डाइजेनेटिक पैरासाइट। डाइजेनेटिक पैरासाइट मीन्स द लाइफ साइकिल ऑफ दिस एनिमल कंप्लीटली टू होस्ट, दो होस्ट के अंदर, दो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के अंदर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेनेटिक पैरासाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो होता है बेसिकली शीप होगी और गॉट होगी, वो इसके प्राइमरी होस्ट होते हैं, ठीक है। इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो होगा सीप और गॉट। प्राइमरी होस्ट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर इकोनॉमिक डैमेज ज्यादा पहुंचता है उसे हम प्राइमरी होस्ट के नाम से जानते हैं। तो इसका प्राइमरी होस्ट कौन हो गया? इसका प्राइमरी होस्ट हो गया शीप और गॉट हो गया। सेकेंडरी होस्ट इसका जो होता है वो होते हैं स्नेल, शंख, गोगलगाय, वो इसके जो है सेकेंडरी होस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सेकेंडरी होस्ट होगा वो होगा स्नेल्स। हमारे फ्रेश वाटर स्नेल्स जो होते हैं वो इसके जो है सेकेंडरी होस्ट होते हैं, ठीक है। अब इससे जो डिसीज होता है ये पैरासाइट्स, इससे डिसीज कौन सा होता है? इट्स कॉल्ड अ डिसीज। जो डिसीज कॉज करते हैं वो डिसीज को बोलते हैं फेसियोलियोसिस या फिर लीवर रॉट। लीवर सड़ना चालू हो जाता है इसलिए इसे लीवर रॉट भी बोला जाता है, और फेशियोला के थ्रू कॉज होता है इसलिए इसे हम फेशियोलियोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। डिसीज जिसने ये कॉज किया। उसके बाद साइट ऑफ इन्फेक्शन, इसकी जो साइट ऑफ इन्फेक्शन होते हैं वो कौन सी साइट होती है? लीवर। कि गॉट के और शीप के लीवर में ये इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। एनिमल की बॉडी को देखो कैसी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी है, प्लेटे हेमंतिस में आएगा इसलिए। ये क्या है? ये सबसे ऊपर वाला शकर, इसे हम बोलते हैं ऑरल शकर। ये बीच में एक शकर है, इसे हम बोलते हैं एसिटाबुलम। और ये एसिटाबुलम के ऊपर जस्ट ऊपर की साइड में आपको एक कॉमन जेनाइटल पोर दिखाई देगा, और इसके बॉडी में यहां पर आपको पूरा एक ब्रांच एलिमेंट कैनाल देखने को मिलेगा। तो इस तरह की इसकी बॉडी होती है। इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट, तो यहां जो फर्टिलाइजेशन क्रॉस और जो डेवलपमेंट है वो इसका जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इसका डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट इसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब
इसके लार्वा कई बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो इसके हम डिफरेंट डिफरेंट लार्वा के बारे में बता देते हैं कि इसके लार्वा कौन कौन से होंगे। अब देखो, ये जो एडल्ट एनिमल है वो क्या होता है कि शीप के या फिर गॉट के लीवर में सरवाइव करता है। इसके जो स्पोर होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो स्पोर बनेंगे, इसके जो स्पोर होते हैं वो फीकल मैटर के साथ पास आउट होते हैं। तो जब इसके स्पोर पास आउट होते हैं तो स्पोर जैसे ही बाहर जाएंगे तो इसके स्पोर से एक लार्वा बनता है। इनिशियली पहला जो लार्वा बनेगा उस लार्वा को हम बोलते हैं मिरासीडियम लार्वा। तो फर्स्ट इसका जो लार्वा बनता है वो लार्वा कौन सा होता है इसका? मिरासीडियम लार्वा। अब ये मिरासीडियम जो लार्वा होता है, ये लार्वा जो है क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई हमारी जो है मैने है, बकरी है या गोट है या शीप है, वो पानी पीने के लिए नदी किनारे गई, तालाब के किनारे गई, उसने वहां फीकल मैटर पास आउट किया, फीकल मैटर में से स्पोर बाहर आए, स्पोर बाहर आने के बाद उनसे एक लार्वा बना। कौन सा लार्वा बना? उससे मिरासीडियम लार्वा बना। अब ये मिरासीडियम जो लार्वा होता है ये स्नेल की बॉडी के अंदर चला जाता है। कहां पे जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा? ये स्नेल की बॉडी में जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ये क्या होता है, कहां जाएगा? मूव इनटू द बॉडी ऑफ स्नेल इन फ्रेश वाटर, वहां जाएगा और वहां जाते बराबर इससे स्पोरोसिस्ट लार्वा बन जाता है। तो जब बॉडी के अंदर मिरासीडियम लार्वा जाएगा स्नेल की बॉडी के अंदर, तो वहां जाके कौन सा लार्वा बन जाएगा? स्पोरोसिस्ट लार्वा बन जाएगा। और स्पोरोसिस्ट लार्वा जो है वो फिर रेडिया लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से लार्वा में? रेडिया। तो आप देखेंगे कि स्पोरोसिस लार्वा किसमें कन्वर्ट हो गया? रेडिया लार्वा में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो रेडिया लार्वा है ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये हो गया हमारे सर्केरिया लार्वा में। सर्केरिया लार्वा फिर मेटा सर्केरिया लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा और ये लार्वा जो है गोट की बॉडी में आएगा। किसकी बॉडी में आएगा? ये आएगा हमारे गोट या फिर शीप की बॉडी के अंदर आएगा और वहां आने के बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखिए, ये इसका फर्स्ट लार्वा मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट सेकंड, रेडिया जो है वो थर्ड लार्वा, और उसके बाद चौथा लार्वा सर्केरिया, पांचवा लार्वा जो है हमारा मेटा सर्केरिया लार्वा, जो किसमें जा रहा है? एडल्ट की बॉडी में जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन ये पूछा जाते हैं कि फेस्टुला का कौन सा लार्वा है जो कि शीप या फिर गॉट के ऊपर अटैक करता है। योर आंसर विल बी मेटा सर्केरिया लार्वा। इट बिकम क्लियर? ये पूरी तरह समझ में आ गया, क्लियर हो गया आपको? ठीक है,
अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, वो है हमारा टैब बार, ठीक है। हम टैब बर्म को पैरासिटिज्म के साथ ही डिस्कस करेंगे, तो अब इतना याद रखिए कि इसका एक एग्जांपल होता है टैब बर्म, टीनिया करके स्पीसीज होती है, और टीनिया जो है इसी का कॉमन नेम क्या है, टैब बर्म। तो हम अभी उसे रफली डिस्कस करते हैं, बाकी डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे जब हम पैरासिटिज्म डिस्कस करेंगे, तब उसे डिटेल बताएंगे आपको। तीसरा जो एग्जांपल है वो है इसका टैपवर्म। स्पीसीज का नाम है टीनिया, कॉमन नेम इसका टैपवर्म। बॉडी कैसा होता है टैपवर्म का, बॉडी कुछ इस तरह का होता है टैपवर्म का। तो इस तरह की बॉडी आपको टैपवर्म की देखने को मिलती है। इनकी लंबाई जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, और हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ये पैरासाइट होते हैं टैपवर्म, ठीक है। तो हम थोड़ा सा टैपवर्म के बारे में देख लेते हैं। तो स्पीसीज का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, टीनिया, और कॉमन नेम क्या है उसका, टैपवर्म, ठीक है। अब टैपवर्म जो होते हैं, जितने भी टैपवर्म होते हैं, तो ऑल टैपवर्म आर डाइजेनेटिक पैरासाइट। जितने भी टैपवर्म होते हैं वो सब कैसे होते हैं, डाइजेनेटिक पैरासाइट, मतलब ऐसा पैरासाइट जिसके लाइफ साइकिल दो एनिमल में कंप्लीट हो रही है। पैरासाइट के बारे में काफी जानकारी इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा पैरासिटिज्म, उसमें आप देख सकते हो। तो इस ये डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, तो जो भी डाइजेनेटिक पैरासाइट होगा, मतलब ऐसा पैरासाइट तो जो कि दो होस्ट के अंदर अपनी लाइफ को कंप्लीट कर रहा है, वो डाइजेनेटिक पैरासाइट। तो डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है ये, और ये जो टीनिया है, टीनिया बेसिकली हमारे जो है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पैरासाइट होता है। ये पैरासाइट कहां होता है, एलिमेंट्री कैनाल में पैरासाइट होता है। और ये जो टीनिया है इसमें जो प्राइमरी होस्ट है वो मैन देखने को मिलता है। तो यहां पर आपको प्राइमरी होस्ट कौन देखने को मिलेगा, मैन देखने को मिलेगा। और इसका जो बॉडी है उसमें सेगमेंटेशन, एक्चुअल सेगमेंटेशन तो नहीं होता, पर फॉल्स सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है। कौन सेगमेंटेशन देखने को मिलता है हमें, फॉल्स सेगमेंटेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो आप देखिए टीनिया की आप बॉडी को देखेंगे, तो आप देखिए टीनिया की बॉडी में ये जो आपको मुंह जैसा, माउथ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं इसको लैक्स, माउथ नहीं है ये, क्या है इसका, इसको लैक्स। और उसके बाद ये क्या है, ये इसका नेक है, ये वाला पोर्शन क्या है इसका, ये वाला पोर्शन इसका नेक है। और आप देखेंगे छोटी छोटी सेगमेंट है, ये एक्चुअल सेगमेंट नहीं, ये फॉल्स सेगमेंट है। तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी सेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, वो क्या है, इमैच्योर। प्रोग्लेटिड्स है, तो दीज आर इमैच्योर प्रोग्लेटिड्स। तो ये क्या है, इमैच्योर प्रोग्लेटिड्स है। यहां पे क्या है, ये मैच्योर प्रोग्लेटिड्स है, और ये ग्रेविड प्रोग्लेटिड्स है।
तो आप देखेंगे कि इसकी बॉडी में जो सेगमेंट है वो एक्चुअल सेगमेंट नहीं है, वो फाल्स सेगमेंटेशन है। और ये एक्चुअली क्या है, सेगमेंट जैसे जो स्ट्रक्चर दिख रही है एक्चुअली प्रोलेटेड्स है। ये नेक के नीचे इमेच्योर होते हैं, बाद में मैच्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ग्रेविड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये ब्रेक होकर बॉडी से बाहर, जो भी ह्यूमर इसका जो है प्राइमरी होस्ट है तो उसे बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, तो डाइजेनिक पैरासाइट है ये। इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो होता है मैन, और ये साइट ऑफ इन्फेक्शन जो होता है इसका वो होता है इंटेस्टाइन। वो क्या होता है, इंटेस्टाइन होता है, ठीक है ना। और इसका जो इन्फेक्शन होता है वो इस तरह के फ्लैश को खाने से होता है जो कि पूरी तरह से पका हुआ नहीं होता है। तो इस तरह का कोई फ्लैश खाता है तो उससे इसका इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाता है। इसमें सूडो सेगमेंट प्रेजेंट, इसमें कौन से सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसमें सूडो सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी के अंदर, मतलब एक्चुअल सेगमेंट इसकी बॉडी में नहीं है। बाइसेक्सुअल एनिमल है, मतलब मेल फीमेल स्ट्रक्चर एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहां पे आप देखेंगे इसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, हमको सेल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसकी तीन वैरायटी है, वो जो तीन तरह के फ्लैश, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फ्लैश होते हैं उन्हें खाने से ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। कैसे आता है जरा हम वो सब डिस्कस करेंगे। देखिए आप, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखिए इसकी एक वैरायटी होती है जिसे हम बोलते हैं टीनिया की, तीन वैरायटी होती हैं। पहली वैरायटी होती है इसकी टीनिया सोलियम, इसे हम पॉप टेपर के नाम से जानते हैं, क्योंकि पॉप सुअर का जो पिग है उसका जो कच्चा मांस, यदि कच्चा मांस कोई खाता नहीं है, प्रॉपर तरीके से पका हुआ मांस जो है यदि किसी ने खाया और उसको इसका इन्फेक्शन है तो ऐसे में ह्यूमन बीइंग को इसका इन्फेक्शन हो सकता है। तो टीनिया सोलियम जो है इट इज नोन एज द पॉप टेपवर्म, क्योंकि यह जो है पॉप के खाने से हमारी बॉडी के अंदर इसका इन्फेक्शन हो जाता है। एक वैरायटी और इसकी होती है जिसे हम बोलते हैं टीनिया सेजिनेटा। अब टीनिया सेजिनेटा जो होता है ये बेसिकली इसको बीफ टेपवर्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज दैट टीनिया सेजिनेटा, और टीनिया सेजिनेटा जो होता है इसे बोलते हैं बीफ टैपवर्म, क्योंकि बीफ या जो गाय का मांस होता है उसके खाने से हमारी बॉडी में ये आ जाता है। नेक्स्ट है इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस जो होता है इट इज आल्सो नोन एज डॉग टैपवर्म, क्योंकि कुत्ते या फिर बिल्ली के फ्लैश को खाने से, मांस को खाने से इसका इन्फेक्शन हो जाता है। आप अच्छी तरह जानते हो कई कंट्री में डॉग का, कैट का, इवन बैट का भी फ्लैश खाया जाता है,
तो ऐसे में इसके इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है। तो बैट का यदि प्रॉपर तरीके से पका हुआ बैट फ्लैश नहीं खाया, या फिर डॉग का फ्लैश ऐसा खाया या कैट का खाया, तो उससे इस तरह का इन्फेक्शन पॉसिबल है। तो इसलिए इसको क्या बोला हमने, डॉग टेम्पर। तो आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट, तो बाकी का फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।